गाइस देखो, मैंने आज सुबह अपनी राशि पढ़ के देखी ना, तो मेरे को मालूम चल गया था कि आज कुछ धमाका होने वाला है। और उसके बाद मेरे को याद आया, धमाके से आज तो 83 का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, पंकज त्रिपाठी स्टारिंग 83 मूवी का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। और फाइनली वो हो भी चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, काफी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा इस टाइमिंग के बारे में, बट ये जो ट्रेलर है ये रिलीज हो चुका है। और भैनचोद, ये कोई ट्रेलर नहीं है, ये एक मोमेंट है। इसके बारे में क्या है क्या नहीं है वो सब बात करेंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाओ सब्सक्राइब करो। अब जब सब्सक्राइब वाली भीख अपन मांग ही चुके हैं, तो बात कर लेते हैं ट्रेलर के ऊपर, क्या कुछ खास नया देखने को मिलने वाला है। देखो, नया कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला। अब ये सुन करके आपको बुरा से लगना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 83 के अंदर क्या हुआ था, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज को हरा करके। वेस्ट इंडीज कौन भैया, आज वेस्ट इंडीज टीम की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वेस्ट इंडीज 2 बार लगातार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और तीसरी बार उसको इंडिया ने हराया था। इस मूवी की कहानी कुछ नई कहानी नहीं होने वाली। हम लोगों को पता है कि वर्ल्ड कप की ही ऊपर मूवी बनी, तो वर्ल्ड कप की कहानी हमको देखने को मिलेगी, लेकिन किस तरीके से वो दिखाएंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। और सच बता रहा हूँ, इस ट्रेलर को देखने के टाइम पे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब कि आपने अभी अभी लाइव बैठ करके वर्ल्ड कप मोमेंट एंजॉय किया है और आपको सर लग रहा है कि हाँ यार, इंडिया की जो टीम है ना वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है। मतलब कि ट्रेलर के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी डाली हुई है, इतनी ज्यादा एनर्जी डाली हुई है, किसी ने सोची ना थी। और ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है भाई, इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम की क्या वैल्यू थी, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो प्लेयर थे उनके मेंटल स्टेट कंडीशन क्या थी, मतलब बहुत सारी चीजें थी भाई। उन एक एक चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है ये मूवी। और ये जो छोटा सा ट्रेलर इन्होंने भी डाला है, इसको देख करके समझ में आ जाता है कि भाई ये जो मूवी है ना, ये गाड़फाड़ मूवी होने वाली है। ये जो मूवी है ना, सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये मूवी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है लूजर को विनर बनते हुए। आप इस मूवी में देखोगे एक चूतिया बताएगा कि भाई वो चूतिया नहीं है जिसको पूरी दुनिया चूतिया समझ रही है, वो चूतिया नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। इससे ज्यादा हार्ड टाइम कुछ नहीं हो सकता। मतलब कपिल वाजी का एक सीन दिखाया इस ट्रेलर के अंदर, जहां पे उनसे पूछा जा रहा है कि यहां पे क्या करने के लिए आए हो, तो बोलता है हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए। ये बात सुनकर के इंडिया के कुछ चूतिए लोग हैं, उन्हीं को भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन इंडिया जीतती है। अच्छा, बाकी सारी चीजें छोड़ो, आप लोग के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि रणवीर सिंह एज ए कपिल देव कैसे देखने को मिलने वाले। जबरदस्त देखने को मिलने वाले, हर एक चीज को बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से एडमायर किया है। और देखो, सब लोगों को पता है कि रणवीर सिंह पर्सनल लाइफ में वाले कैसे भी होंगे, लेकिन ऑन स्क्रीन उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो डेडिकेशन है अपनी मूवीज को लेकर के, वो बहुत जानदार है। तो वही डेडिकेशन आपको एक बार फिर से इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। बाकी दीपिका पादुकोण ट्रेलर के अंदर एज यूजुअल मुझे नॉर्मली लगी है। पंकज त्रिपाठी जो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, इस बार भी आपको बेस्ट देते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो मूवी है 24 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के एक दिन पहले भाई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, ये मेरी बात नोट कर लो, ये भविष्यवाणी कर दी है भाई ने। ओवरऑल 83 का जो ट्रेलर है वो काफी ज्यादा इंस्पायर था, काफी ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, मेरे को बहुत पसंद आया। और मेरे को पसंद आया तो यानी कि आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। नहीं देखा है जाकर के देखो, और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि ट्रेलर आपको कैसे लगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक मार के जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना ताकि मेरे जितने भी व्यूज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट।